हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी ना 11 बज रहे हैं और मैं 11 बजे उठी हूँ। मुझे वीडियो भी एडिट करनी है अभी, तो पहले तो मैं वो करती हूँ। और थकान हो रही है यार गंदी वाली। गाइज, मेरी ना वैनिटी आ चुकी है, वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी क्योंकि मेरा अभी है एग्ज़ाम। तो अब तो वैनिटी मंगवानी थी, तो चलो अपनी मेरी वैनिटी आज हम अरेंज करते हैं। इतनी बड़ी आई है यार, मैंने तो इतनी छोटी सी देखी थी, तानी इतनी बड़ी क्या चीज आ गया है। मम्मी इसको निकल रहा हूँ, इसको ओपन करते कुछ भी मुझे सिगरेट नहीं लग रही। मेरी मम्मी ने ना मुझे सीजर देखो इतनी डेंजर वाली ला के दी है। पहले मैं हाथों से खेल हेलो। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरी ना किसी चीज को कभी कवाड़ा मत कहना, ठीक है? हमें पता है मैं कितनी खुशी होती है जब हम वैनिटी लेते हैं, वो भी अपने पैसों से। क्या बोलते हो? सही कह रही हूँ ना मैं? रिलेट कर सकते हो ना? ये सच है, ठीक है? मेरी मम्मी के एक्सप्रेशन इतने बुरे हो रहे हैं, जरा दिखाना एक्सप्रेशन से, दिखाना सब क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है आपके बताओ। हमारा ड्रेस ही ब्लैक होता है। अच्छा। यू नो मॉम और मदर्स, वो कभी हमारी खुशी अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकती। हमारी जिंदगी में इतना जनरेशन गैप है कि वो हमें अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यार पैकेजिंग देखी हो, क्या बवाल है यार ये। भाई पैकेजिंग इतनी डेंजर करके दी इन लोगों ने, नो डाउट। पीछे जाती हूँ, चलो भाई अब अपन ओपन करते हैं इसको। खुल रहा, मुझे कंट्रोल हो रहा है। ओके तो टन टन, ये आ गई मेरी वैनिटी। यार तुम रिलेट कर सकते हो, पर तुम भी मेकअप आर्टिस्ट हो तो इसको निकाल दो कोई प्लीज। ओके मैं तो मेरा सेल्फी दे रही हूँ यार, क्या है ये, रुको मैं पूरा ही खोलूंगी इसको। गाइस ये रही हमारी वैनिटी। मम्मी क्या कर रही है? तो भाई ये मम्मी खाना खा रही है और मेरे साथ मम्मी को परेशान कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले हम ये डर्मा पैलेट रखते हैं कहीं, ठीक है? डर्मा पैलेट के बाद फिर अपने फाउंडेशन वगैरह रखेंगे। तो ये सब हम नीचे ही रखते हैं या फिर देखते हूँ क्या ये ये बाथिंग का होता है। ये बाथिंग के लिए, बाथिंग नहाने धोने के लिए। लैशेस देखो, ये इतनी ड्रामेटिक लैशेस है ना। मैंने ना जो भी मेरी वजह से मेरी ना सारी पैलेट्स मैं इसमें रख रही हूँ, फाउंडेशन इसमें रख रही हूँ। देखते हैं, जैसे इसमें लिप पैलेट रखी है मैंने, पैक के वो रखे हैं, काफ़ी चीज़ें मैं रख रही हूँ। लेकिन मुझे जैसे अभी मैं संभाल के रखती हूँ सामान, तो मेरे बाद में रियलाइज होता है यार इतना सारा सामान है। इस पर फाउंडेशन रखती हूँ, इस पर प्राइमर और कॉम्पैक्ट रखूँगी। ये लूज पाउडर्स है मेरे, ये डर्मा पैलेट है, ये फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन,
और ये मेकअप फिक्सर है, देखती हूँ इसको भी यहीं कहीं रखती हूँ। और सारे जो मेरे पिगमेंट्स हैं ये और आई लैशेज वगैरह ये सब देखती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। बाकी मुझे तो वैनिटी तो बहुत सही है यार, अच्छा स्पेस है, मतलब ऐसे मैनेज कर दिया सब कुछ, बट हाँ ठीक से हो गया ये, हम इसको बंद करते हैं। बाकी मेरा काफ़ी सामान तो आ चुका है और बाकी तुम्हें ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। करने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है यार, काफ़ी प्यारी है। नहीं इसमें ये भी रख लेती हूँ, इसमें नहीं ये वाला नहीं, दूसरा। बंद करने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है। बाकी मेरा काफ़ी प्रोडक्ट तो इसमें आ चुके हैं। बाकी जब जैसे हमें कोई फ्रीलांसिंग मिलती है तो हमें वाइप्स वगैरह सब कुछ, तो ये सब यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी बहुत सारा सामान होता है तो मैं तो रेगुलर जाती हूँ, इसलिए थोड़ा सामान मैं अपने बैग में रख के लेके जाती हूँ। जो ये रहा वैनिटी बॉक्स, ये इसकी कीज है, बट मैं एक बार बताऊँ, मैं लॉक्स नहीं करूँगी, इसे लॉक वगैरह कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद ही भूल जाऊँगी इसको, तो हम इसको नहीं करेंगे लॉक। ओके तो वो मेरी वैनिटी तो बन चुकी है और मेरा अभी एग्ज़ाम है तो प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वैनिटी का लिंक मैं, तुम मुझे कमेंट करोगे तभी दूंगी। और ये खराटे की आवाज़ मेरी मम्मी की आ रही है, तो बाय, टेक केयर, जय श्री राम।